टीकमगढ़ जिले की लिधौरा तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक हरिशंकर खटीक ने अथक प्रयास से हुआ है, जिसमें लोगों में खुशी का माहौल था। लेकिन नवीन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण लिधौरा नगर की बाईपास मार्ग पर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई नहीं की विरोध के स्वर गूंजने लगे। आज सुबह से ही सैकड़ों लोग बड़ा मंदिर के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे एवं विरोध प्रकट करने लगे, क्योंकि वर्तमान में यह लाखों रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बना हुआ है, जो कि नगर के मध्य पर बना है। वहीं नगरवासियों को लिधौरा स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने हेतु पहुंचने में नजदीक एवं सरल सुगम है। नगरवासियों का कहना है कि यदि नवीन बिल्डिंग बनना है तो अस्पताल के पास पर्याप्त जगह है, वहीं पर नवीन बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई जाती, जो कि नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों के हित में है। लिधौरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। बच्चा है हम 7 मोहल्ला 10 मोहल्ला से अस्पताल कैसे जा सकती है बताओ? एक मोहल्ला से नहीं, एक मोहल्ला में पहुँच जाए अस्पताल। हमारे आदमी बीमार हैं तो जल्दी आ जाते हैं, उधर 10 किलोमीटर कैसे ले जाए हम बताओ? एक दिन किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं है, कुछ नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में किस लिए जुड़े? किस लिए कि मतलब अस्पताल हम लोग जाना नहीं चाहते, यहीं रहे, यहीं रहे। मतलब कहाँ जा रही है अस्पताल? बाईपास। आपको कैसे पता कि बाईपास पे ये बिल्डिंग जाने वाली है? सब जनता जनता गई हमारे घर, बोली आप चाहिए चलिए मेंबर साहब लेके आओ। अगर पेशेंट को सब उधर जाना पड़े, कितनी परेशानी, बहुत परेशानी होगी। किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं है। अगर यहाँ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाहर जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? आगे क्या हड़ताल मचाएंगे, क्या करेंगे? आप लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की, संबंध में आवेदन दिया कि नहीं दिया? किस किस को आवेदन दिया? SDO को, मुख्यमंत्री को? हम सब लोग इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमने सुना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से दूसरी जगह बाईपास पर जाना है। यहाँ वो पे आदमी औरतें जितनी चाहे समय रात के 1 बजे 2 बजे चली आएँ, वो यहाँ पर पूर्ण सुरक्षित हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। रात्रि को अकेली भी औरतें यहाँ आती हैं और अपने तहसील में सबसे ज़्यादा डिलीवरी लिधौरा तहसील में होती हैं। एक दिन एक रात्रि में 9 डिलीवरी हुई थी। और यदि यहाँ से वो चली जाएगी तो सब लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो बाईपास, और साधन भी नहीं है कि वो बाईपास जा करके अपनी सुविधा उपलब्ध कर सके। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से अगर बाहर जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सब लोग हथियारों की तादाद में चक्का जाम करेंगे और जो कुछ होगा वो आंदोलन करेंगे, वो हड़ताल करेंगे। इस संबंध में आप लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि नहीं? इसके बारे में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को भी एक रजिस्ट्री कह दी है, स्वास्थ्य मंत्री को भी कह दी है, और तहसीलदार महोदय को भी दे दी है, विधायक जी को भी दे दी है, और कलेक्टर महोदय जी को दे दी है। विधायक जी को आपने दिया, अवगत कराया, तो उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? विधायक जी कह रहे थे कि हम वहीं आके इसका निर्णय लेंगे और अस्पताल वहीं रहेगी। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर क्यों जुड़े? आज हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम लोगों को ज्ञात में आया है कि ये जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आने वाला है यहाँ पर, उसको बाईपास पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ की गांव की जनता, नगर की जनता यही चाहती है कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये इसी जगह पर बने जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मांग रखी है कि अगर वहाँ पर जाने के बारे में सोचा भी जाए तो उस पर विचार न करके इसको यहीं पर बनाया जाए। जो यहाँ पर यहाँ से बिल्डिंग जो वहाँ जा रही है, इसका कारण क्या है, क्यों जा रही है? जो वहाँ जा रही है, हमें ये ज्ञात आया है कि कई लोगों ने ये बताया है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी कुछ सरकारी ज़मीनें वहाँ पर कब्जा कर रखी हैं, कई पट्टे की ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, तो लोगों का ये कहना है कि वहाँ विकास हो जाएगा, उनका व्यक्तिगत लाभ है, इस वजह से वहाँ ले जाने के प्रयास में खींचातानी चल रही है। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माननीय पूर्व मंत्री द्वारा हरिशंकर खटीक द्वारा करवाया गया था, तो उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करवाया है तो बिल्डिंग भी वही बनवाएंगे। उनसे आपने मांग क्यों नहीं की? विधायक जी से मांग हुई है, लेकिन ये जनता में इतना आक्रोश था कि सब जनता इकट्ठी हो गई, इसलिए हमें आना पड़ा। हमारी परसों विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस पर विचार करेंगे और यहीं बनाने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अगर यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया जाता है तो हजारों की संख्या में ज्ञापन दिया जाएगा। इस चीज़ की हमने एक प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय जी को भी भेजी है,
और अब इसका ज्ञापन बहुत बड़े स्तर पर हजारों की संख्या में दिया जाएगा। इसके पहले आप लोगों ने इस संबंध में ज्ञापन दे चुके या नहीं? जी, हम लोगों ने पोस्ट के द्वारा कलेक्टर महोदय जी को ये ज्ञापन पहुंचाया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसका एक ज्ञापन भेजा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।